कोरोना को लेकर केंद्र सरकार का अलर्ट, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी, तो प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कर सकते हैं बात। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आज दिल्ली में एंट्री, राहुल की यात्रा में शामिल हो गए अभिनेता कमल हासन, तो कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को कोविड गाइडलाइन की पालना के दिए निर्देश। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, वन रैंक वन पेंशन योजना में किया गया रिवीजन, अब 25 लाख लोगों को होगा लाभ, मुफ्त राशन योजना को भी बढ़ाया गया। नॉर्थ सिक्किम में सेना का ट्रक खाई में गिरा, 16 जवानों की गई जान, राजस्थान के 3 जवान भी शहीद, पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ने जताया दुख। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैशाली नगर में अहिंसा रथ को करेंगे रवाना, दिगंबर जैन आचार्य सुनील सागर महाराज के सानिध्य में आयोजन, मंत्री लालचंद कटारिया और विधायक विजयपाल मिर्धा भी होंगे शामिल। संत रतिनाथ महाराज के देवलोक गमन से शेखावटी में शोक की लहर, आज सीकर लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर और नवलगढ़ सहित कई कस्बे स्वैच्छिक बंद, बहुधाम में दी जाएगी समाधि। और वडोदरा में कड़ाके की सर्दी का दौर, माउंट आबू और फतेहपुर में जमी बर्फ, दिन में भी चुभने लगी है शीतलहर। राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज, दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर वन, टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल है डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार।